हिंदू धर्म में होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन होली मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह त्यौहार भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय था, इसलिए इस दिन देश भर में खासकर श्री कृष्ण जन्मस्थली ब्रज में रंग वाली होली मनाई जाती है। अगर होली के दिन ज्योतिष से कुछ उपाय कर ले तो माँ लक्ष्मी की कृपा भी हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि मानसिक रोग से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को होली का दहन के लिए सूखा नारियल, पीली सरसों अग्नि में डाल देना चाहिए। इससे रोग संबंधित बाधाएं दूर होती है। इसी के साथ में होली का विधि विधान से पूजन करने से माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। आइए उज्जैन के ज्योतिष से जानते हैं होली का मुहूर्त व विधि। होली का त्यौहार मुख्यतः रंगों का त्यौहार कहा गया है और भारत में बड़ा प्रसिद्ध है कि यह त्यौहार सभी के लिए कहा जाता है कि भगवान विष्णु भगवान के को समर्पित भी कहा गया है, लक्ष्मी जी को समर्पित कहा गया है तथा भगवान श्री कृष्ण के लिए भी समर्पित कहा गया है। अपन देखते हैं होली का महत्व अलग अलग जगह पर अलग अलग भगवान के विशेष क्षेत्र में मनाया जाता है। हमारे मालवा क्षेत्र में होली का त्यौहार भगवान प्रहलाद जी के उसमें मनाया जाता है, हिरण्यकश्यप प्रहलाद के उसमें मनाया जाता है। और उसी प्रकार होली के दिन अपन देवी लक्ष्मी को प्रसन्नता के लिए भी कुछ कार्य कर सकते हैं। उसमें से कुछ कार्य है कि होली के दिन पंच धातु का कछुआ लाकर के घर में रखा जाए, उसका पूजन किया जाए, उससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उसके पश्चात बांस का पौधा अपन घर में लगा सकते हैं। उसमें यह याद रखें कि 7 से 11 ही डंडियाँ हों और अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, उससे देवी लक्ष्मी आकर्षित होती है और लक्ष्मी को आकर्षित करता है, इसलिए उसमें उससे धन आने की संभावना होती है, इसलिए बांस का पौधा लगाया जा सकता है। उसके पश्चात पिरामिड जो आता है, जो कि चीनी शास्त्र में कहा गया है और अनेक मंदिर भी के शिखर आदि भी इस पिरामिड आकृति में देखे गए हैं, तो पिरामिड भी अपन घर में रख सकते हैं, जिससे देवी लक्ष्मी तथा धन आकर्षित होता है। इसलिए पिरामिड और कुछ अन्य वस्तुएं भी है जो है कि होली के दिन अपन ला सकते हैं, जिससे देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रह सकती है। और उसी के साथ में होली के दिन कई बार अपन ने देखा है कि अनेक घरों में आम के पत्तों का तोरण लगाया जाता है, तो आम के पत्तों का तोरण लगाना चाहिए, जिससे घर में शुभता तथा हरियाली का प्रतीक रहता है तथा धन संपत्ति आदि बनी रहती है। अभी अनेक शुभ कार्यों में अपन आम के पत्तों का, आम तथा अशोक के पत्तों का तोरण लगाया जाता है, तो वो तोरण भी अपने लगाना चाहिए।